रामनवमी को लेकर भक्तों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्त बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर बस्तर वासियों की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। इसके बाद भक्तों ने शहर के चौक चौराहों पर राम सीता लक्ष्मण हनुमान की मूर्तियां स्थापित की। वहीं दंतेश्वरी मंदिर के सामने राम दरबार बनाया गया, जहां भक्त सुबह शाम राम भगवान के दर्शन करने पूजा करने पहुंच रहे हैं। वहीं बजरंग दल के युवाओं ने शहीद पार्क के सामने रामलला की मूर्ति स्थापित की, जिसे हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन देखने और पूजा करने पहुंच रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दंतेश्वरी मंदिर के सामने राम दरबार पंडाल का निर्माण किया गया है। उसी तरीके से जिस प्रकार से गणेश और दुर्गा की पंडाल बनाई जाती है, और राम दरबार के अलावा जगदलपुर के विभिन्न चौकों में राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। जिस प्रकार से राम नगरी जगदलपुर बन चुका है, जिस प्रकार से राम भक्त हर दिन उमड़ रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इस बार रामनवमी मनाने के लिए राम भक्त उमड़ रहे हैं। ये अपने आप में लोगों की श्रद्धा दिखती है, और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि राम भक्तों की तादाद और भी बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम दरबार में आज जितने भी दिन गुजरे हैं, लगभग 12 क्विंटल प्रसाद जो है वो हमने लोगों को वितरित किया है। आने वाले समय में हमारा अनुमान है कि ये लगभग 50 से 100 क्विंटल के 60-70 क्विंटल के आसपास जाएगा। रामनवमी हर साल हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, जो हम बहुत अच्छे से इसको बहुत भव्य रूप से मनाते हैं, पर इस बार की रामनवमी कुछ अलग है, क्योंकि हमने देखा इस बार की हर जगह पर चौक चौराहों पर मुख्य जगह पर बस्तर का जो ये हृदय स्थल माना जाता है दंतेश्वरी मंदिर के सामने, यहाँ पर राम दरबार लगाया गया है। राम भगवान, राम सीता माता और उनके साथ संपूर्ण राम परिवार की स्थापना यहाँ पर की गई है, और उसी के साथ साथ शहर के मुख्य चौकों में भी राम भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस बार का जो राम नवमी है बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाने वाला है, और बहुत कुछ अलग इस बार की राम नवमी में होने वाला है। बहुत सारे विशेष आयोजन प्रतिदिन किए जा रहे हैं अनेक हिंदू संगठनों के द्वारा, और इस बार की राम नवमी के विशेष अघोरी बाबाओं का आगमन होने वाला है, और एक बहुत भव्य आकर्षण का केंद्र